बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नोगी भाई आपकी खिदमत में हाजिर। गाइस, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जिससे पहली वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि हम मिलजुल के दुआ करेंगे कि सबसे पहले साउथ अफ्रीका हार जाए नेदरलैंड से, तो ऐसा ही हुआ। इन केस ऐसा ना हुआ तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे साथ मिल के 22 करोड़ अवाम के साथ मिल के पाकिस्तान के सारे अवाम ये दुआ करेंगे कि साउथ अफ्रीका हारे। अगर ये नहीं हारते तो फिर हमें दुआ करनी पड़ेगी भारत के, लेकिन ऐसा ना हुआ और नेदरलैंड ने ना वो कर दिखाया जो हम सिर्फ पाप देख रहे थे और हमारी दुआएं रंग लाई। तो थैंक यू वेरी मच, हम सैल्यूट पेश करते हैं नेदरलैंड, थैंक यू वेरी मच। तो साउथ अफ्रीका को उन्होंने नाक ऊंचाने चबवा दिए और 158 विकेट पर नेदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर बनाया, लेकिन आज दीवार जो है वो बिल्कुल रेत की साबित हुई साउथ अफ्रीका की टीम, और वो 145 स्कोर कर सकी 8 विकेट के नुकसान। तो इस तरह सारा का सारा क्रेडिट जो है वो नेदरलैंड को जाता है। तो जनाब थैंक यू वेरी मच अगेन, और जैसा कि मैं बता रहा था कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है जनाब, और वो हमने देख लिया। और 22 करोड़ आवाम जब सारी की सारी अपने शहीद के लिए दुआ करेगी तो शहीद हमारे यकीनन जो उन्होंने कर दिखाया बांग्लादेश के खिलाफ तो वो एक काबिल तारीफ था, और इसी तरीके से नेदरलैंड ने जो कर दिखाया वो भी काबिल तारीफ है। और ये सारे के सारे देखो मुंह लटके हुए हैं साउथ अफ्रीका की टीम के, ये वही टीम है ना जिसने 400+ वनडे में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बना डाला था और वो मैच उन्होंने जीत लिया। यहाँ तक एक बार जब श्रीलंका की टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी तो जनाब उस वक्त के कप्तान जो कि साउथ अफ्रीका के थे उन्होंने चैलेंज किया कि अगर हमारे साथ हमारा मैच आ जाता तो मैं आपको ना भी याद करा देता, और ऐसा ही हुआ। जनाब श्रीलंका की टीम ने दौरा किया साउथ अफ्रीका का, उन्होंने जनाब 3 टेस्ट 1 विकेट नहीं दिया, सब जीते, 5 वनडे सब जीते, 3 T20 वो भी जीते और वाइट वॉश करके भेज दिया। और आज सारा का सारा क्रिकेट आपके सामने नजर आ रहा है, 5 गेंदों पे 24 रन चाहिए जनाब साउथ अफ्रीका की टीम को, और आखिरी बॉल पे 18 रन चाहिए जो कि नामुमकिन है। और ये सारा का सारा क्रेडिट हम दे रहे हैं जनाब नेदरलैंड की टीम को कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो हमारे ख्वाब थे सच साबित हुए। यकीनन 110% जो है पाकिस्तान की टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच गई, और अब जो पाकिस्तान का मुकाबला है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है 10 तारीख को। हम आपसे मिलेंगे जनाब अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, नोबी भाई को दीजिए इजाज़त अगले रिव्यू तक के लिए। थैंक यू नेदरलैंड, हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं, हमारे गाइस भी आपको सलाम कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।